नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा। और सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा के बजट सत्र का छठवां दिन हो चुका है। प्रश्नकाल में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप पत्रों को पटल पर रखेंगे। ध्यान आकर्षण के दौरान विधायक राजेश मोड़ा, नव रायपुर स्मार्ट सिटी और रायपुर स्मार्ट सिटी में अपात्र कंपनियों को कार्य दिए जाने पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। लखीश्वर बघेल, नारायणपुर में आदिवासी किसान द्वारा बैंक से लिए कर्ज जमा नहीं कर पाने से आत्महत्या किए जाने पर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। अनिला भेड़िया, दलेश्वर साहू, राय मुनि भगत, हर्षिता स्वामी बघेल याचिकाओं का को प्रस्तुत करेंगे और वित्त वर्ष 2024-25 आय व्यय पर सामान्य चर्चा होगी। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। महोदय, ये भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है, पर पूर्ण और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समता हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, आज सदन में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे गूंजेंगे? देखिए बुखरा, दो दिन छुट्टी का दिन था। 9 तारीख को बजट पेश हुआ था, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया और उसके बाद दो दिनों की छुट्टी थी शनिवार रविवार से। आज फिर से विधानसभा की कार्यवाही है, वो शुरू होगी, छठवां दिन है और तैयारी यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की गई है। आज अगर प्रश्नकाल की बात की जाए, क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल शुरू होता है, छठवें दिन प्रश्नकाल में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, केदार कश्यप पत्रों को पटल पर रखेंगे। और प्रश्नकाल के बाद एक महत्वपूर्ण जो सेशन होता है वो ध्यान दर्शन का होता है। ध्यान दर्शन के दौरान जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है राजेश मोड़क, वो नवा रायपुर स्मार्ट सिटी में जो अपात्र कंपनियों से कार्य दिया गया है उसका मामला उठाएंगे और आवास एवं पर्यावरण मंत्री का उसको ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक है लखेश्वर बघेल, वो नारायणपुर में जो आदिवासी किसान द्वारा बैंक से कर्ज लिया गया था और उसका रिपोर्ट जमा नहीं कर पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, इस मामले को भी वो उठाकर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये अधीन भाई की चर्चा होगी। इसके साथ साथ बजट पर आज से शुरुआत चर्चा की शुरुआत ही होगी। जी हेमंत, आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास।